Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। किसी मॉलिक्यूल में या किसी केमिकल कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ की जाती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक रेंज यूज़ की जाती है जिसको IR रेडिएशन कहते हैं। IR रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स का मिलकर बना होता है और IR रेडिएशन के एप्लीकेशन को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। यहाँ पर हम सैंपल में क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए IR रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि सैंपल पर IR रेडिएशन का एप्लीकेशन किया जाता है, इस वजह से इस टेक्निक को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। जिस भी सैंपल को हम एनालाइज करना चाहते हैं, सैंपल लिक्विड, सॉलिड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है और IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा जाता है। IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। आजकल लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है और सैंपल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे। तो जब हम सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक सोर्स रहता है जहां से IR रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं और ये IR रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं और लाइट फोटोन पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो जब ये IR रेडिएशन सैंपल पर फॉल होती है, यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, तो जब ये IR रेडिएशन यहाँ इस मॉलिक्यूल पर फॉल होती है तो मॉलिक्यूल का जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, ये जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड IR रेडिएशन की लाइट को, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जब ये बॉन्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर IR रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक वेवलेंथ की लाइट को सैंपल के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एज ए एग्जाम्पल देखें, 100, 200, 300, 400, सपोज ये लाइट्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की ये लाइट्स हैं। तो यहाँ पर सपोज जब ये लाइट सैंपल पर फॉल होती है और सैंपल का सपोज ये जो बॉन्ड है एच एंड सी के बीच में जो बॉन्ड है, ये 400 वेवलेंथ की जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा जो 100, 200 and 300 वेवलेंथ की लाइट ये सैंपल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो यानी ये लाइट सैंपल से ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, पूरा 100% ट्रांसमिटेंस हुआ। ये ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्टर, एक डिवाइस होती है जो कि IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होती है, डिटेक्टर ट्रांसमिटेंस लाइट को डिटेक्ट करता है एंड उसी के बेसिस पर एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो के आता है, ग्राफ फॉर्म हो के आता है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम की एक्स एक्सिस पर ट्रांसमिटेंस होती है, जो लाइट ट्रांसमिट हुई, और वाई एक्सिस पर वेवलेंथ होती है या फिर वेव नंबर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 100, 200, 300 वेवलेंथ की जो लाइट है ये एब्जॉर्ब नहीं की मॉलिक्यूल ने, ये 100% ट्रांसमिट हुई। तो यहाँ पर अगर ये 100% ट्रांसमिटेंस है, सपोज ये 20, 40, 60 and 100, तो 100% ट्रांसमिटेंस एंड यहाँ पर वेव नंबर अगर गिवन है 100, 200, 300, तो ये पूरा यहाँ पर 100, 200, 300 ये 100% ट्रांसमिटेंस है, मतलब यहाँ ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होके आती है स्पेक्ट्रम में। जो लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है, जो एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो ट्रांसमिटेड, ये जो लाइट्स हैं यहाँ पर, जो लाइट्स हैं ये ट्रांसमिटेड लाइट्स की पीक्स होती हैं जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब नहीं की हुई होती हैं।
तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, आया रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. स्ट्रेचिंग मतलब अगर हम एटम को इस तरह से मॉलिक्यूल को माने कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं वो स्प्रिंग की तरह हैं, तो स्ट्रेचिंग मतलब वो इस तरह से स्ट्रेच होते हैं स्प्रिंग की तरह अगर हम माने, और बेंडिंग में वो बेंड होते हैं. तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग भी डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में सेंटर एटम के साथ जो दो डिफरेंट एटम होते हैं वो सिमेट्रिकली स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग की तरह. जो हम एटम यहाँ पर बॉन्ड को अगर हम स्प्रिंग की तरह ले रहे हैं तो वो सिमेट्रिकली स्ट्रेचिंग शो करते हैं. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में सेंटर एटम के साथ जो डिफरेंट एटम्स हैं, दो अलग एटम्स हैं, वो एसिमेट्रिकली स्ट्रेच करते हैं. उसके अलावा बेंडिंग भी, बेंडिंग में सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग, ये डिफरेंट टाइप के बेंडिंग पैटर्न्स होते हैं. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से आता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो जरूरी नहीं सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे. जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया, सपोज 400 वेवलेंथ की लाइट पर, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है 400 वेवलेंथ की लाइट पर जो सी एच बॉन्ड है ये स्ट्रेच होता है, और सपोज 500 वेवलेंथ की लाइट जब सैंपल पर फॉल होती है तब ये बॉन्ड बेंड होता है. तो मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पर डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन शो कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि एक बॉन्ड एक ही टाइप की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद वो एक ही टाइप का वाइब्रेशन शो करेंगे. तो यहाँ पर 400 पर सपोज ये बॉन्ड स्ट्रेच होता है एंड 500 वेवलेंथ पर सपोज ये बॉन्ड बेंड होता है. तो यहाँ जब स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो 400 एंड 500 पर, अगर यहाँ देखें 400 एंड 500 ये जो वेवलेंथ की अगर पीक्स हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि ये लाइट सैंपल के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली. तो ट्रांसमिटेंस कम होगी, ट्रांसमिटेंस कम होगी तो डिटेक्टर वो लाइट को कम डिटेक्ट करेगा. तो यहाँ पर अगर 400 ये एक्स एक्सिस पर वेव नंबर है तो ये ट्रांसमिटेंस सिर्फ 20% हुआ, ये 20% ट्रांसमिटेंस हुआ क्योंकि 80% लाइट सैंपल में एब्जॉर्ब हो गई. और उसी तरह से ये 500 पीक पर 30% ट्रांसमिटेंस हुआ. सपोज ये पीक अगर यहाँ तक है 500 की, क्योंकि ये 500 की लाइट भी सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करने के बाद सैंपल के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन शो कर सकता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है. लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है. लीनियर मॉलिक्यूल कितने टाइप के वाइब्रेशन शो कर सकता है तो वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 3N-5. N होता है नंबर ऑफ एटम. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है 3N-6. एक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन शो कर सकता है, और इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला गिवन होता है. ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने टाइप के वाइब्रेशन शो कर सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में. स्पेक्ट्रम में दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एब्जॉर्प्शन रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन. एब्जॉर्प्शन रीजन में इंडिविजुअल पीक्स होती हैं जिसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत सारे मल्टीपल पीक्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हर एक कॉम्पोनेंट का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन होता है, और इस फिंगरप्रिंट रीजन को हम स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी के साथ मैच करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कॉम्पोनेंट हो सकता है. उसके अलावा ये जो एब्जॉर्प्शन रीजन में जो इंडिविजुअल पीक्स होती हैं जो ईजली क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि किस वेव नंबर पर ये पीक फॉर्म होकर आई, तो इस पीक को मतलब हम ये देख लेते हैं कि अगर सपोज 400 वेव नंबर पर ये पीक है एंड 500 वेव नंबर पर ये पीक है, तो ये पीक्स की वैल्यू एक रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं.
यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ बात किए थे वेवलेंथ की और यहाँ वैल्यू गिवन है वेव नंबर में. स्पेक्ट्रम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए वेव नंबर की फॉर्म में स्पेक्ट्रम होता है. अगर कहीं वेवलेंथ है या वेव नंबर है तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ एंड वेव नंबर में रिलेशनशिप होता है. वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/ वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है तो वहां से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और वेवलेंथ अगर गिवन है तो वहां से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पेक्ट्रम जो IR स्पेक्ट्रम होते हैं वो वेव नंबर की फॉर्म में होते हैं ताकि ईजिली इंटरप्रेट किया जा सके, वरना वेवलेंथ की फॉर्म में भी स्पेक्ट्रम होते हैं.